लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रेटर फेमिना के तरफ से आज एक जबरदस्त यहां पे पहल किया गया है। आपको बता दें, यह आप जो प्लास्टिक का बोतल देख रहे हैं, इस प्लास्टिक के बोतल के अंदर वेस्टेज प्लास्टिक, वो जो दूध की प्लास्टिक होती है, इस टाइप की प्लास्टिक के जो है वो वेस्टेज जो आज पृथ्वी को, पर्यावरण को दूषित कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक चिंतनीय विषय बना हुआ है, उसको आज ये जो है लायंस क्लब ऑफ फेमिना ग्रेटर जो ये सदस्य जो हैं, ये सभी सदस्य मिल करके यह पहल कर रही हैं। आपको हम बता दें कि इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं और आप यह बैठने का जो स्थान निर्मित किया गया है, आप मेरे कैमरे के द्वारा देख पा रहे हैं, ये जितने भी कलरफुल ये जो है, ये वही प्लास्टिक का बोतल जो आप ये ऊपर देख रहे हैं, इसको ऐसे करके बैक साइड करके इसे कलरफुल करके ऐसे बनाया गया है, बैठने का स्थान बनाया गया है, जो बहुत ही अनोखा और बहुत ही सुंदर पहल है ये। इससे होगा क्या कि आने वाला समय में जो है पर्यावरण की इस पे रक्षा होगी, और इन चीज़ों को आप इधर उधर फेंकने के बजाय आप इस बोतल में इसको डाल सकते हैं, जैसे कि ये मैडम लोग किए हैं, और डाल करके इसका प्रयोग करके इसे ईंट के भांति, मतलब इसे यूं कह लीजिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये ईंट के तर्ज पे इसे इस्तेमाल किया गया है और उसको एक बैठने का स्थान बना दिया गया है। इससे क्या लाभ हो रहा है, हाँ, यहाँ पे आप एक पिक्चर भी देख पा रहे हैं मैडम के माध्यम से, ये देख पा रहे हैं इस तरीका से, ये जो पानी का बोतल या कोल्ड ड्रिंक का बोतल, जो भी आप पीने के बाद जिसे आप इधर उधर फेंकते हैं, उसे ना फेंक करके इसमें वो प्लास्टिक है, वो देख पा रहे हैं मैम का जो भाव भंगिमा है, उनका भाव भंगिमा दिखाने का तात्पर्य यही है कि इस तरह से आप उसके अंदर बोतल के अंदर प्लास्टिक को डालते हैं, और डालने के पश्चात इसे ईंटे के भांति आप इस्तेमाल करके बैठने का एक स्थान को निर्मित कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। इससे लाभ यह होगा भूमध्य तापक्रम, जिसे आप अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, वह ग्लोबल वार्मिंग और धरती मैया को बचाया जा सकता है। भविष्य में आने वाला समय में आने वाले न्यू जनरेशन के लिए आप एक अच्छा उपहार दे सकते हैं और समाज को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। आइए इसी विषय में यहाँ पे तमाम लोग जो हैं, जो लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रेटर फेमिना के सौजन्य से यह कार्यक्रम का बीड़ा उठाया है, इन पदाधिकारियों से हम रूबरू होकर के चीज़ों को और विस्तार से समझते हैं, जानते हैं कब से क्या और क्या कैसे ये कार्यक्रम हो रहा है। क्या है कि अपने ज़मीन में लैंडफिल होता है, उससे क्या है, इसमें लेड होते हैं, मरकरी होते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलता काफी। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक निया मूर्ति नदी लाटागुड़ी। नमस्ते, हम लोग हैं लायंस ग्रेटर फेमिना से, और हम लोग का मकसद है टू क्लीन द एनवायरनमेंट, टू कीप टू सेव इट। हम लोग सब ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं, आज के टाइम में हम लोग को पानी भी मिल रहा है, अनाज भी मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से धरती गंदी हो रही है, आने के कुछ सालों बाद में मेरे को लगता है आफ्टर फ्यू जनरेशन पानी की भी इतनी किल्लत हो जाएगी, अनाज का भी इतनी किल्लत हो जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक से पूरी धरती ढकी जा रही है। तो हम लोग अब कोशिश किए हैं कि प्लास्टिक सब इकट्ठा करके ये बॉटल में भर के, इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग ब्रिक्स, वी हैव यूज दिस बॉटल्स, जैसे आपको रिपोर्टर्स ने सब कहा है, दिखाया है, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू डू इट। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे सारे मेंबर्स ने किए हैं, कोई 2 बोतल, 4 बोतल, 6 बोतल, जो जितना सका है भरा है। बट आई वॉन्ट टू थैंक माई हेल्पर हु हैज डन द मोस्ट वर्क, सुब्रतो, जो बॉटल भरते हैं ना उसमें भी हम कमी छोड़ जाते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, लेकिन ये भाई सब बॉटल में भर भर के ही डन द वर्क। हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, सेव द अर्थ प्लीज, धरती माँ को बचा लो, अभी भी टाइम है, बचा लो।
वी वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज टू एवरी वन. क्योंकि कुछ दिन पहले द स्काई हैड बिकम ब्लू, नाउ सी द कलर ऑफ द स्काई इज बिकम ग्रे. व्हाई? बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. से इंस्पिरेशन मेरे को मिला निस्वार्थ सेवा बोल के सिलीगुड़ी में कुछ एक संस्था है. हाँ, दे आर डूइंग दिस. उनसे इंस्पायर होके आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डू दिस वर्क. मैम, दिस इज फर्स्ट टाइम यू हैव टेकन दिस सच अ टाइप ऑफ इनिशिएटिव? और या आई हैव टेकन फर्स्ट टाइम. आई हैव टेकन फर्स्ट टाइम बाय गेटिंग इंस्पायर्ड बाय निस्वार्थ सेवा कंसल. आई एम अ मेंबर ऑफ लायंस सिलीगुड़ी ग्रेटर फेमिना. और कुछ जैसे जानवरी भी इसको खा के उनको भी काफ़ी हानि पहुँचती है, तो उसको कम करने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है. जो कैरी बैग्स है उनको प्लास्टिक बॉटल्स में डाल के बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के और उसको जस्ट लाइक एक सॉलिड ब्रिक की तरह इन्होंने बनाया है, और उसी ब्रिक्स को यूज़ करते हुए इन्होंने ये है. और इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि जो लायंस क्लब ग्रेटर फेमिना की प्रेसिडेंट है लैन संगीता अग्रवाल जी, वो और उनकी पूरी टीम पूरे जोश के साथ काम कर रही है. और ये जो बॉटल्स बनी है ये मेंबर्स ने खुद अपने हाथों से प्लास्टिक भर के बनाए. ये बहुत ही, मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एच एस भी हम लोग बना सकते हैं. ये लायंस का एक मतलब अलग प्रोजेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट प्रोजेक्ट हो जाएगा. और इसमें लिखा हुआ है देखिए, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. प्रेसिडेंट सिलीगुड़ी ग्रेटर छठ पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ. छठ पूजा प्रोग्राम में हम लोग फिर एक साथ मिल रहे हैं. बढ़ते जाएगा, जो नया देखेगा वो 10 बनाएगा, उससे जो देखेगा अपना बात सबको बताइए, इस कैंपेन को आगे बढ़ाइए. मैम, अपना नाम और डेजिग्नेशन? मैं कांता अग्रवाल फ्रॉम निस्वार्थ सेवा.